वहां से हम बकरी लेके आए। अब हम बकरी पालना शुरू करेंगे। अलग से डस्ट गिरा के भी ट्राई किए कि कितनी सफाई से आती है तो देखिए। और इसके अलावा मैं अपनी अपनी जमीन दिखाऊंगी, अपनी खुद की जमीन क्या होती है आपको पता है ना। यार क्या है, दोड़ी दोड़ी है। इसलिए बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम बकरी लेके आ गए हैं। बकरी वहाँ डरता है। मैं जा रही हूँ ठाणी में एक खेत में, जहाँ से हम बकरी लेके आए। अब हम बकरी पालना शुरू करेंगे क्योंकि देसी दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के दिमाग के लिए अच्छा होता है। देसी भी बकरी का दूध बहुत ताकतवर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। इसलिए मैं बकरी लाने जा रही हूँ, देख रही हूँ कि अच्छी बकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। और चलो आपको भी ले चलती हूँ। आप फटाफट वीडियो लाइक करके इसको शेयर ठोक दो 4-5 जनों को, या आपके ग्रुप में ठोक दो, फिर मैं यहाँ से रवाना होंगी, वरना मैं यही खड़ी रहूँगी। अभी अभी बारिश बंद हुई है, पहले हम पहले जाते लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गई। मैं आपको बारिश बताऊँ कहाँ पे बारिश, ये हमारे फर्श पे बारिश नहीं दिख रही आपको, ये फर्श पे बारिश, ये इधर बारिश, और ये दिव्या और तेजू काम कर रहे हैं। ये कप्पू अभी बारिश में नहा के आया, अभी 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 कहाँ जा रहा है कप्पू? मैं जा रही हूँ गाँव, अभी देखते हैं क्या लेके आते हैं। इस गाड़ी पे जाएंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड अगर कोई व्लॉगर है तो वो मैं ही हूँ। देखो कैसी व्लॉगिंग हो रही है, कभी तो मेरे कंधे की फोटो आ रही है और कभी तो पेट की आ रही है, कभी गले की आ रही है, मतलब क्या व्लॉगिंग चल रही है। मुझे कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ बातों बातों में कि कैमरा कहाँ पर है, कहाँ चालू है या नहीं है, पता नहीं कौन कैमरे के अंदर आ रहा है। और वैसे आपको बताऊँ, मैं गाँव जा रही हूँ तो एक प्यारी सी क्यूट सी सुंदर सी बकरी लेके आऊंगी, और इसके अलावा मैं अपनी अपनी जमीन दिखाऊंगी, अपनी खुद की जमीन क्या होती है आपको पता है ना, वो दिखाने ले जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ आप तो सब्जियाँ लाने, देसी वाली सब्जियां लाने, तो बहुत सारी सब्जियां लेके आएंगे और चलते हैं। और ये हम जा रहे हैं, लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि मेरे हमारी जमीन किस लोकेशन पर है, कौन सा गांव है और बाड़मेर से कितने सारे किलोमीटर दूर है, क्योंकि जाते जाते हमें लग गया था 1.25 घंटा, वापस आते हमें थोड़ी जल्दबाजी थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए हमें लगा था 35 मिनट। इस बार अगारो से मैंने एक अनोखा और कमाल का वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है। ये है अगारो का बेड वैक्यूम क्लीनर विद यूवी। ये ड्राई वैक्यूम करता है, इट मींस आपका बेड बिना पानी लगाए भी चमक सकता है एकदम झक्कास। इतनी लंबी तो इसके साथ पावर कोड आती है। ये वाइब्रेट बटन हो गया, ये इस डस्ट कप को खोलने का बटन हो गया, और ये पावर स्विच। और इधर नीचे की तरफ आप देख पाएंगे एयर आउटलेट्स, और आगे की साइड में है वाइब्रेशन बोर्ड ये वाला। तो सारी गंदगी और डस्ट इस डस्ट कप में आके इकट्ठा होने वाली है। और बेड पे इजिली मूव करने के लिए ये स्विवल व्हील्स लगे हुए हैं, 3 है, 2 आगे 1 पीछे। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नीचे लगे हुए यूवी लैंप, और फिर इसका अच्छी ग्रिप वाला ये हैंडल, जिससे कि हम इजिली इसको यूज कर सकते हैं और अपने बेड की सफाई बड़ी ही सावधानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डस्ट कप है वो इस लॉक की तरफ घुमाने से खुलेगा। हमारा ये पड़ा हुआ 1 साल का बेड है, चलिए इसकी सफाई करते हैं। मतलब हम गर्मियों में इस कमरे में नहीं आते हैं तो फिर सोएंगे कैसे, तो हमने डस्ट पूरी भर रखी है, जितनी इसमें चाहिए उससे भी ज्यादा। तो ये स्विच दबाने से ये वैक्यूम क्लीनर वाइब्रेट होगा, जिससे इजीली सफाई हो जाएगी। मतलब जैसे एक बेड को सबसे ज्यादा क्लीन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ ठीक है हफ्ते 2 हफ्ते में बेडशीट जरूर धोते हैं, लेकिन रोज का क्लीन करने के लिए डस्टिंग तो करते ही है ना, तो उसके लिए ये है। मतलब कोने कोने में जाकर डस्ट, गंदगी, धूल मिट्टी सब कुछ ले आएगा, थोड़ी बहुत कुछ छोटा मोटा कचरा वगैरह सब कुछ। तो देखिए आप इस डस्ट कप में देख सकते हैं कितनी डस्ट आ रही है, मुझे तो लगता है कि ये भर जाएगा जब तक हम सफाई करेंगे। और फिर हमने अलग से डस्ट गिरा के भी ट्राई की कि कितनी सफाई आती है, तो देखिए एक कतरा भी पीछे नहीं बच रहा है, सारी की सारी अंदर आई जा रही है। और ये हो गया क्लीन। हाँ, इसके जो यूवी लैंप है नीचे, उनसे आप थोड़ा खुद को सिक्योर रखिए, ऐसे नहीं है कि उल्टा घुमा के आंखों की तरफ कर दो, या फिर बच्चों बच्चों को दूर रखना है। और फिर हमने एक ये कारपेट भी साफ करी, जो कि बहुत ही इजिली हो गई, और आप रोज ये काम 10 मिनट में कर सकते हैं और आपका बेड एकदम क्लीन।
अब इस डस्ट कप को इस तरह रिमूव करके डस्ट फेंक सकते हैं और सूखे कपड़े से सफाई भी कर सकते हैं। बाकी इस कप को पूरी तरह से अलग करके पानी से भी धो सकते हैं। और हाँ, अगारो का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, साथ में मैनुअल आता है, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, आपका प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होगा। और हाँ, इस प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप जरूर बाय करना। बना लिया है कि हम बकरियां पालेंगे और अगले साल खेतीबाड़ी भी करेंगे, लेकिन गाय नहीं पालेंगे क्योंकि मुझे गाय का दूध निकालना नहीं आता, दूध ही नहीं आती, हाथ काफी कम युवा ने दुखने लग जाते हैं, कमजोर है। सो गाइस, पिछली बार भी हम यहाँ से जा रहे थे, सामने बकरी आई, बकरी ने चलते चलते पता नहीं कैसे एल टर्न लिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। चलो उसकी क्लिप आपको यहाँ पर दिखाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और जब से वो एक्सीडेंट हुआ, हम सफाइयाँ दे दे के थक चुके हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, और कोई एक इंसान भी ये मानने को रेडी नहीं है कि आपकी गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ चला रही थी तो गलती तो लड़कियों की थी। देखिए, बकरी पालने का हमें जोश आ चुका है, बकरी पालेंगे, दूध निकालेंगे, फिर इसको दूध जमाएंगे, मक्खन भी बनाएंगे, कपू को भी खिलाएंगे, दही बनाएंगे, कभी हम वो पनीर बना के सब्जी बनाएंगे, योगर्ट बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। अभी तो सपने देख देख के ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो बकरियाँ, हमारा मिलन नहीं हुआ, बाय बाय, हम वापस यू टर्न ले रहे हैं। वो जो गाड़ी जा रही है, उन्होंने बोला कि आगे मत जाना, आगे बहुत बड़ा खतरा है। तो अगली बार मैं एक दो दिन में आके आपको मेरा गांव, मेरे घर, मेरा घर और मेरा खेत दिखाऊंगी। सॉरी अंकल, आपका वीडियो आ गया, मैं काट दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मेरी सहेली की बारी बोरी हुई है, ये वाली तो एक बोरी को मेरे को दे देगी और एक साल हम चला। अरे मक्की मिल गई, सब्जी बनाएंगे बड़े कच्चे कच्चे से, ये देखो। और मिलेंगे क्या? आई आंटी, ये मतीरे नहीं है। तो क्या है ये? तुम्बे थोड़ी है ये, तुम्बे। तुम्बे तो पीले होते हैं। अरे ये ऐसे भी होते हैं, हमारा गांव अनमोल है। मैंने ऐसे आदत करी थी गांव में। ओके ठीक है, सीक्रेट हमारे बीच है। हाँ, पांचों के बीच। समझ नहीं आ रहा, पीछे छोटा होगा है ना, छोटा ये। यहाँ पर इन बेला पर घास ढूंढने आए थे, इसपे अभी फूल ही लगे हैं। मैंने सोचा आज मैं गाजर की सब्जी खाऊंगी, मुझे मिले नहीं है, बकरे मिल रहे थे, वहाँ पे तुम्हें मिल गए हैं। अब चलो हम ढूंढते हैं घर, भैया शायद वो मिल जाए। हम आपको पता है, जब गांव में आते हैं ना, अपन को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपको पता है? इतने ज़्यादा वो लविंग है कि हमसे चिपक जाते हैं। आप इधर आओ, अभी दिखा दी, अभी मेरे से कोई चिपका हुआ नहीं है, देख। जैसे हम चलने लगे नहीं, वैसे ये जो भूट है ना, ये देख, तो ये हमारे पूरी टहन है, यही हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और गांव में जाते चिपक के शहर तक साथ में आ जाते हैं। ये हमारे गांव की खास है, शहर का कीचड़ भी आसपास नहीं आता, कीचड़ आता है पर वो गंदा होता है ना, ये भी चुपते तो है। ये हमारे भूरुट हैं, फिर हमें इनको ऐसे निकाल निकाल के, ऐसे हमें इनको बड़ी बेरहमी से दूर कर दें। You know guys, this is bakeria and this is very useful for your allergy. Your name, my allergy. इससे आप है ना, ये जब थोड़ा पक जाता है उसके बाद इसको उखाड़ के ले जाते हैं, सुखाते हैं और फिर इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उसको पीस के इसकी फाकी बनाई जाती है और फिर कैसी भी एलर्जी हो आपके चली जाती है। लेकिन मैंने अभी तक नहीं ली है और ये सच है, ये बेकरिया, हम इसको बेकरिया बोलते हैं। और ये हमारे आंकड़े के डोडिया, उसके पीछे से ऐसा आँख निकलता दूध है। तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है, ले जाऊँ आज मेरे बालों में लगाऊँ, कितना सुंदर है यार। मैं आयो रो मारे, मैं की करो, मैं आयो भाई, गोड़ तेज तेज आंधी आई, पहली बादल आ पहली, बस मैं आयो। और यहाँ से मैं ये कीमती चीज लेके जा रही हूँ, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फूल जो हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी सुंदर से वेरी वेरी फूल रहा।
भाई हमें बीच सफर में उन्होंने छोड़ दिया, गाड़ी में हमें चढ़ाया नहीं, इसलिए हम तो अपने आगे जा रहे हैं। हमारी मारुति हमारा साथ देती है, हमारी मारुति 800 और हम जा रहे हैं। हमें घर की चाबी मिल गई है दूसरों की, या तो लूट के आएंगे या वही रुक जाएंगे। देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कोई और अवसर हो गया तो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने काफी बिजनेस की बातें की, आगे बताएंगे आपको। चलो चलते हैं, हाथ लगा क्या बकरी का हाथ लगाएगा तो हमें तो लगता है डर, इसलिए हम रहते हैं दूर और कप्पू को भेजते हैं, क्योंकि कप्पू एक गांव का छोकरा, इसको किसी चीज से डर वर तो लगता है नहीं। मैं कप्पू के पीछे पीछे जाती हूँ। तो भूल चूक माफ हो, और आज हमने थोड़ा आपके साथ प्रैंक प्रैंक खेला, उसके लिए बुरा मत मानना। वो ढानी और खेत वाली बात भी प्रैंक थी और ये बकरी वाली बात भी प्रैंक है, क्योंकि ये बकरी ही नहीं है, बकरा है, और वो भी हमारा नहीं है। तो बाय।